हेलो रिवान वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है सो लिक्विड डोजिज फॉर्म के पार्ट एट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे ईमल्सन के बारे में सो so, जो पार्ट वन से लेकर सेवन तक हमने अलग अलग मोनोफिजिक लिक्विड डोजिस फॉर्म के बारे में स्टडी किए तो अब से जो हो नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट्स हो लिक्विड डोजिज फॉर्म के जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे बायो लिक्विड डोजेस फॉर्म और जिसके अंदर हमने आज स्टार्ट किया है इमल्सन से तो इमल्सन के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं कि लाइक ओ डब्ल्यू इमल्सन मतलब कि जिसको हम कहते हैं ऑयल इन वाटर इमल्सन या फिर डब्ल्यू मतलब कि वाटर इन ऑयल इमल्सन कि यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग टू दिखाया है कि जो येलो कलर के जो ग्लोब्यूल्स है वो ऑयल है एंड जो ब्लू कलर के जो ग्लोब्यूल्स है वो है वाटर है तो अरेंजमेंट हम देखें डिटेल में तो ऑयल इन वाटर इमल्सन किस तरह से होती है कि ऑयल uh, जो है उसके ग्लोबुल्स कम होते हैं लाइक हम देखें तो वन टू एंड थ्री तीन ही जितने ही ग्लोबुल्स है ऑयल uh, के जबकि वाटर जो है वो उसके अमाउंट ज़्यादा है कि वाटर का आप देखो तो उससे काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वाटर के तो वो इमल्सन बनता है ऑयल इन वाटर और उससे रिवर्स हम देखें कि वाटर इन ऑयल इमल्सन वाटर इन ऑयल तो वहाँ पे वाटर सिर्फ तीन मॉलिक्यूल्स कंडीशन रिवर्स हो जाती है कि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स सिर्फ तीन जितने हैं एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ऑयल है तो ऐसे अलग अलग टाइप के इमल्सन होते हैं मल्टीपल इमल्सन होता है माइक्रो इमल्सन होता है तो सभी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं ये लेक्चर में सो लेट स्टार्ट इन दिस लेक्चर सो लिक्विड डोजिज फॉर्म हमने सीखे कि मोनोफिजिक एंड बायो फिजिक लिक्विड डोजिस फॉर्म कि मोनोफिजिक के अंदर इंटरनल यूज एक्सटर्नल यूज वाले बहुत सारे डोजिस फॉर्म एंड बायो फिजिक के अंदर स्पेशली दो इमल्सन एंड सस्पेंजन सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नीवर मिस एन वीडियो ऑफ फार्मा रॉग्स गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स रिगार्डिंग द फार्मर एप डाउनलोड दामरऑक्स एंड्रॉय ऐप ऑन गूगल प्ले एज वेल एज एपल आई फॉन एप ऑन एप स्टोर तो आपको स्टडी मटेरियल वीडियो लेक्चर टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल्स पी डी एफ एज वेल एज प्रिंटेड में मिल जाएगा फार्मारोक्स की मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर सो डाउनलोड करिए एप फार्मारोक्स की एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले एज वेल एज एपल आई फोन ऐप ऑन एप स्टोर सो टेस्ट सीरीज आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी ऑल्सो द वीडियो लेक्चर एंड पी डी एप्स सो गेट द लिंक ऑन गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज एप्पल आईफोन एप स्टोर सो गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्सन बॉक्स तो लिक्विड डोजेस फॉर्म अलग अलग है मोनोफेजिक हमने सीखे अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो के अंदर लिक्विड एंड लिक्विड टाइप के ओरल यूज के लिए जो हम यूज करते हैं इमल्सन उसको डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं उसके बाद हम सीखेंगे सस्पेंजन्स के बारे में और इमल्सन कैटेगरी के, के जो कुछ लिनिमेंट्स है लोशन है वो भी हम स्टडी करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर तो शुरू करते हैं शुरुआत से पहले इमल्सन से तो इमल्सन इज ए बायो फिजिक लिक्विड डोजिज फॉर्म कि बाई फेजिक उसको क्यों कहा जाता है बिकॉज उसके अंदर दो फेज है फेज वन समझो मैं कहूं यहाँ पे उसको कि फेज वन तो वो है चलो यहाँ पे ऑयल है और समझो कि मैं फेज टू कहूँ उसके लिए तो वो है वाटर तो ये ऑयल फेज एंड वाटर फेज दोनों को हम मिसिबल करवाते हैं प्रॉपरली यूजिंग प्रॉपर इमलसीफायर कि हमें पता है कि जैसे ऑयल एंड वाटर जब हम किसी भी कंटेनर के अंदर ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वो मिसिबल नहीं होंगे बट जब आपको उसको मिसिबल करवाना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक इंग्रेडिएंट की जिसको हम कहते हैं इमल्सीफायर तो इमल्सीफायर को यूज़ करके हम इस टाइप के इमल्सन डिज़ाइन करते हैं वो हम आगे लेक्चर के अंदर डिटेल में देखेंगे उससे पहले ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कि इमल्सन तो क्या है बायफेजिक लिक्विड डोजिस फॉर्म है उसके अंदर दो फेजेस है एक समझ लो कि एक ऑयल है एंड सेकंड वाटर और साथ में उसके अंदर होते हैं अलग अलग इमल्सिफायर या फिर उसको हम कहते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट सो एन इमल्सन इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स दो या दो से ज़्यादा भी लिक्विड इसके अंदर हो सकते हैं एंड देट आर नॉर्मली इमिसिबल कि लाइक like ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि ऑयल एंड वाटर के एग्जांपल यहाँ पे खास इंपॉर्टेंट रहेंगे इमलसंस के अंदर तो वो है ऑयल एंड वाटर अनमिक्सिबल और अनब्लेंडेबल अब समझो कि आप ऑयल और वाटर नॉर्मली ले भी लेते हो उसको ब्लेंड करना चालू कर देंगे बाय यूजिंग एनी प्रॉपर मिक्सिंग मशीन की कोई भी आप मिक्सचर यूज़ करते हैं तो ब्लेंडिंग तो होगा बट दिस बोथ आर अनब्लेंडेबल जितना भी आप उसको मिक्सिंग करवाओगे जैसे ही मिक्स वो बंद करोगे ब्लेंडर ऑटोमेटिकली फिर से दो फेज सेपरेट हो जाएगी कि ऊपर की ओर समझो कि ऑयल आता है तो नीचे वाटर रहेगा तो इस तरह से दो फेज़ इसके सेपरेट हो ही जाते हैं बट जब हम प्रॉपर इमल्सीफायर यूज़ करके अलग अलग जो टेक्निक्स होती है इमल्सन बनाने की वो यूज़ करके जब हम इमल्सन तैयार करते हैं तो वो जो है वो मिसिबल हो जाते हैं और जो प्रिपरेशंस तैयार होती है उसको हम कहते हैं इमल्सन सो एनिमल्सन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड दैट आर नॉर्मली इमिसिबल लाइक ऑयल एंड वाटर कि जो अनमिक्सेबल और अनब्लेंडेबल है ओविंग टू लिक्विड लिक्विड फेस सेपरेशन की इसमें क्या हो सकता है कि लिक्विड एंड लिक्विड के फेस सेपरेशन हो सकते हैं कि लाइक ये मेरे पास है ऑयल है दूसरे में है वाटर और जब मैं दोनों को मिक्स करता हूँ और ये जो मिक्सचर बनेगा मेरा तो उसके अंदर समझो कि ये दो सेफ सेपरेट मिल जाएंगे मुझे फेस की ऊपर की और समझो कि ऑयल है और नीचे ये है वाटर तो ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है इवन समझो कि मैं यहाँ पे मैग्नेटिक स्टरल या फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल स्टरर से स्टरिंग करवाता हो एजिटेशन करवाता हो फिर भी ये जो है वो मिक्स नहीं होंगे बट जब मैं प्रॉपर अमाउंट के अंदर इमल्सिफायर यूज करूंगा क्या करूंगा एडिशन ऑफ इमल्सिफायर तो इमल्सीफायर ऐड करने के बाद वो जो है वो इस टाइप का मिक्सचर बना सकते हैं ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल टाइप के और जो तैयार होता है उसको हम कहते हैं इमल्सन तो इमल्सन के बारे में सिंपल एक और डेफिशन है कि इमल्सन इज ए बायो फिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म इन दैट वन फेज इसके अंदर क्या होता है कि वन फेज इज डिस्पर्स इन अनदर फेज वन फेज इमल्सन इज ए बायो फिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म इन दैट One phase is dispersed in another phase by using suitable emulsifying agent, by using the suitable emulsifying agent with proper. ऑयल वाटर एंड गम रेशियो तो ये एक बेसिक आपको समझना जरूरी है इमल्सन के बारे में कि लेक्चर के अंदर डीप में जाने से पहले जो मैं आपको एक बेसिक जो नॉलेज यहाँ पे दे रहा हूँ कि इमल्सन क्या है तो बायो फिजिक लिक्विड डोजिस फॉर्म वो आपको पता ही है कि वो है बायो फिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म तो उसकी सिंपल डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इमल्सन इज ए बायो फेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म इन दैट फिर यहां से इन्वर्बरेट कॉमा करके कि वन फेज इज डिस्पर्ज इन अनदर फेज बाय यूजिंग सूटिबल इमल्सिफाइंग एजेंट विथ प्रॉपर ऑयल वाटर एंड गम रेशियो या फिर एक और यहाँ पे वर्ड ऐड किया जा सकता है कि वन फेज इज डिस्पर्ज इन अनदर फेज एज अ ग्लोब्यूल एज अ ग्लोब्यूल्स कि जैसे ऑयल uh, ग्लोब्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं हिमलसन के अंदर फिर समझे कि वाटर इन ऑयल है ऑयल इन वाटर है तो किसी के अंदर ऑयल के ग्लोब्यूल्स देखने को मिलेंगे किसी के अंदर वाटर के ग्लोब्यूल्स तो एक फेज दूसरे फेज के अंदर डिस्पर्स हो जाता है एज अ ग्लोब्यूल बाय यूजिंग अब डिस्पर्स कब होगा कि जब आप यूज़ करोगे ये इमल्सीफाइंग एजेंट और यहाँ पर भी काम ख़त्म नहीं होता आपका साथ में जरूरी है प्रॉपर ऑयल वाटर एंड गम रेस्यो कि इमल्सन समझो कि मुझे बनाना है तो सबसे पहले तो जो फार्मूला जो होगी उसके लिए कि जो ऑयल है उसकी क्वान्टिटी फिर जो वाटर यूज़ करूंगा उसकी क्वांटिटी और फिर मेरे पास जो गम है कि जो काम करेगा एज इमल्सिफायर। बिकॉज इमल्सिफायर हम यूज़ क्यों करते हैं बिकॉज दे आर सरफेस एक्टिव एजेंट एक टाइप के सर्फेक्टेंट है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने का काम करेंगे एंड जिसके कारण ये ऑयल एंड वाटर जो है वो एक दूसरे के अंदर मिसिबल होंगे कि ये जो बीकर के अंदर नीचे की ओर समझो कि वाटर है प्लस यहाँ पे ऑयल है तो दोनों की ये जो इंटरफेस बनती है कि ये वाला लिक्विड और ये वाला लिक्विड तो लिक्विड लिक्विड जो तैयार होती है वो क्या होती है एक टाइप की इंटरफेस तो ये लिक्विड लिक्विड इंटरफेस होती है तो ये इंटरफेस का सरफेस टेंशन जो होगा वो डिक्रीज करना जरूरी है अब ये सरफेस टेंशन आप डिक्रीज कैसे करोगे तो उसके लिए आप यूज़ करोगे अलग अलग सरफेक्ट्स को और ये जो सरफेक्ट है वो ही है हमारे ये इमल्सिफायर के जिसको हम इमल्सिफाइंग भी कहते हैं या फिर उसको हम, हम दूसरे वर्ड में इमल्सीफायर कहते हैं तो ये इमल्सीफायर्स का जो काम होता है वो स्पेशली लोअर करना होता है ये सरफेस टेंशन और जब सरफेस टेंशन ये इंटरफेस पे काफ़ी डिक्रीज़ हो जाता है तो धीरे धीरे ये एक दूसरे के अंदर मिसिबल होना स्टार्ट करते हैं एंड एक समय ऐसा आता है कि ये प्रॉपरली एक मिक्सचर तैयार कर देंगे कि एक फेज दूसरे फेज के अंदर डिस्पर्स हो जाएगा कि ऑयल है समझो तो वो वाटर के अंदर समझो कि डिस्पर्स हो जाएगा या फिर उससे रिवर्स सोच सकते हैं कि वाटर ऑयल के अंदर और एक प्रॉपर आपको मिक्सचर तैयार करते देंगे जिसको हम कहेंगे ये इमल्सन तो ये थे सिंपल बेसिक ऑफ ए इमल्सन इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपके कॉपी के अंदर भी ये लिख सकते हैं ये अनोटेशन हटा देते हैं अब और सीखते हैं कि एनिमल्सन इज ए थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम अनस्टेबल इसलिए बिकॉज ऑयल एंड वाटर है और ऑयल एंड वाटर को हमने एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करके मिसिबल करवाए हैं जिसके कारण वो थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम बनती है तो एन इमल्सन इज अ थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम कंसिस्टिंग एटलीस्ट टू इमिसिबल लिक्विड फेजेस, वन ऑफ विच इज ए डिस्पर्स एज ए ग्लोब्यूल्स इन द अदर लिक्विड फेज एंड स्टेबिलाईज बाय थर्ड सब्सटेंस कॉले इमल्सिफाइंग एजेंट की जो मैंने अभी आपको सिंपल बेसिकली समझाया कि एक फेज दूसरे फेज के अंदर या फिर वन लिक्विड और वन फेज डिस्पर्ज होता है क्या होता है डिस्पर्ज होता है एज अ ग्लोब्यूल इन अनदर फेज और इन अनदर लिक्विड और इसको स्टेबिलाइज करने के लिए हम कोई थर्ड इंग्रेडिएंट यूज करते हैं वो है इमल्सिफाइंग एजेंट और साथ में जरूरी है ऑयल वाटर एंड गम का प्रॉपर रेशियो की वो रेशियो भी हम डिटेल में आगे स्टडी करने वाले हैं तो पार्टिकल साइज ऑफ द डिस्पर्स फेज कॉमनली रेंजेस फ्रॉम 0.1 टू हंड्रेड माइक्रोमीटर तो ये भी आपको याद रखना है कि जो पार्टिकल साइज क्या तैयार होती है इमल्सन की तो इस तरह से कि मैं जो इमल्सन बना रहा हूँ इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है कि वाटर यहाँ पे ज्यादा है कि वाटर इज मोर एंड ऑयल इज लेस अगर और इस क्लियर समझना है तो मैं चलो क्वांटिटी में लिख लेता हूँ कि ऑयल मेरे पास से दस एम और वाटर मेरे पास से फोर्टी एम तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या होगा कि ऑयल जो है वो वाटर के अंदर ऐड होगा कि मेरे पास जो दो बीकर होंगे इस तरह से कलर वाइज देख लेते हैं चलो तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो येलो कलर वाला जो है कि ये वाला जो है इतना सिर्फ मेरे पास दस एम जितना है तो वो गया मेरा ऑयल अब बाकी का जो ब्लू कलर का है मेरे पास जो वाटर वह उससे ज़्यादा है कि टोटल ये जो तैयार होगा 40 एम जितना है मेरे पास ये वाटर तो ये है वाटर और ये है ऑयल तो अब मैं क्या करूँगा ये ऑयल है इसको ये वाटर के अंदर ऐड करवाता हूँ तो कंडीशन ऐसी प्रोड्यूस हो कि एज पर दिस डायग्राम कि इसके अंदर आप देखो ऑयल के ग्लोबुल्स बहुत ही कम है कि ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और वाटर की क्वांटिटी इसके अंदर ज्यादा है तो इस टाइप का जो इमल्सन तैयार होता है उसको हम कहते हैं ऑयल इन वाटर इमल्सन कि ऑयल वाटर के अंदर हमने डाला इसलिए ऑयल गया वाटर के अंदर तो ऑयल इन वाटर उससे कंप्लीटली रिवर्स कंडीशन ये वाले के अंदर यह वाले में ऑयल ज़्यादा था कि यहाँ पे वाटर 10 एम था जबकि ऑयल था यहाँ पे 40 एम तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या हुआ वाटर को मैंने ऑयल के अंदर ऐड किया तो वो बन जाएगा वाटर इन ऑयल तो ये डबल्यू ओ इमल्सन तो ये है उसके मेन दो बेसिक टाइप्स तो टाइप्स ऑफ इमल्सन जान लेते हैं कि ऑयल इन वाटर इमल्सन कि जिसको हम कहते हैं ओ डब्ल्यू इमल्सन कि जिसके अंदर ऑयल को वाटर के अंदर ऐड किया जाता है सेकंड है वाटर इन ऑयल इमल्सन ऑयल इन वाटर तो इसको इजीली इस तरह से याद रखो कि ऑयल एडेड इन वाटर और ये वाला उसका डायाग्राम कि ऑयल कम है वाटर ज्यादा है कि जो मैंने अभी आपको प्रीवियस समझाया इस तरह से कि दस एम एल ऑयल है चालीस एम एल वाटर सेकेंड टाइप वाटर इन ऑयल इसके अंदर वाटर को एड करते हैं इन ऑयल ये सेकंड और टर्न ऑयल इमल्सन थर्ड है ऑयल इन वाटर ऑयल इन वाटर इन ऑयल तो मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो मेरा इमल्सन बना है इसको फिर से क्या करूंगा ऑयल के अंदर ऐड करूंगा तो जो इमल्सन बनेगा वो बनेगा मेरा मल्टीपल इमल्सन और उससे रिवर्स जब जो कि वाटर इन ऑयल इमल्सन था उसको फिर से मैं वाटर के अंदर ऐड कर रहा हूँ तो डब्ल्यू ओ डबल्यू इमल्सन तैयार होगा कि वो बनेगा एक मल्टीपल इमल्सन और उसके बाद है ये माइक्रो इमल्सन तो ये चार मेन उसके बेसिक टाइप से ऑयल इन वाटर वाटर इन ऑयल मल्टीपल इमल्सन एंड माइक्रो इमल्सन की ये जो इमल्सन है ये दोनों को हम क्या कहते हैं मल्टीपल इमल्सन उसका नाम क्या दिया है मल्टीपल इमल्सन आगे सीखते हैं लेक्चर के अंदर कि जो मैंने अभी बात थी की थी कि ओ डब्ल्यू जी रेशियो की ऑयल वाटर एंड गम का रेशियो की जब आप किसी फॉर्मूला डिजाइन करते हैं तो समझो कि आपके पास अलग अलग फिक्स्ड ऑयल है कि फिक्स्ड ऑयल को यूज करके आप कोई इमल्सन बना रहे हैं तो उसके वक्त ऑयल वाटर गम रेशियो होगा फॉर जेम टू जैम वन अगर आपके पास वॉलेटाइल्स सॉइल है तो वो रेशियो होगा टू जैम टू जैम वन कि जिसके अंदर ऑयल के टू पार्ट्स वाटर के टू पार्ट्स एंड गम वन पार्ट मिनरल ऑयल से कि लाइक लिक्विड पैराफिन जैसे आपके पास मिनरल ऑयल से तो वो रेशियो रहेगा थ्री टू वन एंड ओलियो रिजेंस है आपके पास तो वो रेशियो रहेगा वन टू वन कि चलो एक एग्जांपल लेते कि एक ऑयल के तौर पे आपके पास है ये कैस्टर ऑयल तो इस तरह के फार्मूला कैसे बनेगी तो आ, इसकी जो फार्मूला समझो कि कैस्टर ऑयल का आपको इमल्सन बनाना है तो प्राइमरी इमल्सन की जो फॉर्मूला रहेगी कि जिसके अंदर ऑयल और वाटर तो ऑयल समझो कि मैंने लिया है चार एम तो वाटर में कितना लूंगा टू एम एल एंड जो गम होगा वो मैं लूँगा ओनली वन ग्राम तो इस तरह से फार्मूला डिज़ाइन होगी बेसिक अगर समझो कि मुझे और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा कि मुझे समझो कि पाँच गुना बनाना है तीन टू फाइव कर दूंगा तीनों के अंदर तो क्या हो जाएगा कि फोर इंटू फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टेन और फाइव इंटू फाइव तो ये में लोगा तो भी ये रेशियो जो है वो मेरा सेट रहेगा तो इस तरह से ऑयल वाटर गम रेशियो को यूटिलाइज करके प्राइमरी इमल्सन जो है वो बनाया जाता है आगे सीखते हैं लेक्चर में कि जो इमल्सन की ओडब्ल्यू इमल्सन जो अभी मैंने समझाया आपको कि ऑयल ऐड होता है वाटर के अंदर या फिर ऑयल डिस्पर्ज इन वाटर तो उस वक्त ऑयल जो है वो कहा जाता है डिस्पर्स फेज एंड वाटर जो है वो कंटिन्यूस मतलब कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है कि वाटर का वॉल्यूम है समझो कि 40 एम तो वो हो गया कंटिन्यूस फेज और ऑयल की वॉल्यूम है सिर्फ 10 एम तो वो कहा जाएगा डिस्पर्स फेज उससे रिवर्स कंडीशन सेकंड डबल यू टाइप इमल्सन की जिसके अंदर वाटर डिस्पर्स होता है ऑयल के अंदर तो उस वक्त वाटर दस एम एल में होगा और ऑयल चालीस एम एल में तो वॉटर डिस्पर्स फेज हो गया एंड ऑयल कंटिन्यूस फेज की यहाँ पे देखो जो येलो विश ज्यादा दिख रहे है वो ऑयल है जबकि ये जो ब्लू कलर के जो ब्लॉल्स है वो है वॉटर जबकि यहाँ पे ब्ल्यू वॉटर है जबकि यह जो येलो है वो है ऑयल तो ये हो गए सिंपल हमारे इमल्सन ऑयल इन वाटर इन वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्सन उसके बाद है कि मल्टीपल इमल्सन कैसे होते हैं कि मल्टीपल इमल्सन हैव बीन डेवलप विथ ए व्यू टू डिले द रिलीज ऑफ एन एक्टिव इंग्रेडिएंट कि जब नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आप सेटअप कर रहे हैं और आपको किसी इंग्रेडिएंट की ड्रग रिलीज को डिले करना है तो उस वक्त आप मल्टीपल इमल्सन बनाते हैं सो इन दिस टाइप ऑफ इमल्सन थ्री फेजेस आर प्रेजेंट द इमल्सन्स आर डबल्यू डब्ल्यू और ओ डब्ल्यू ओ किस तरह से डबल्यू ओ डब्ल्यू है या फिर ओ डब्ल्यू ओ है थ्री फेज है उसके अंदर इन दिस इमल्सन्स, इन दिस इमल्सन विद इन द इमल्सन ऐसा कहा जाता है कि इमल्सन है इन इमल्सन या फिर विद इन इमल्सन एनी ड्रग प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट फेज नाउ हैज़ टू क्रॉस टू फेज बाउंड्रीज टू रिस्ट एक्सटर्नल कंटिन्यूस फेज कि जो सबसे अंदर होगी कि समझो कि ये मेरा इमल्सन है नॉर्मल कि ये ऑयल है और उसके आसपास ये वाटर है तो इसको मैं फिर से किसी वाटर के अंदर डाल रहा हूँ तो कंडीशन क्या फॉर्म होगी वह डायग्रामेटिकली डिटेल में समझते हैं यहाँ पे यहाँ पे समझिए आप कि स्टेप्स ऑफ मल्टीपल इमल्सन पहले स्टेप समझ लीजिए तो उससे ये वाला आपको समझने में काफ़ी इजी हो जाएगा कि सबसे पहले हम स्टेप पे जाते हैं और स्टेप वन देखिए स्टेप वन में आपके पास वाटर है और ऑयल है तो वाटर इन ऑयल इमल्सन बनाया कि वाटर आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में था इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि चलो 40 एम वाटर था एंड 10 एम ऑयल लेके आपने सॉरी आपके पास 10 एम जितना वाटर था एंड 40 एम ऑयल था तो जो आपका इमल्सन बना वो बना वाटर इन ऑयल बट ये फर्स्ट फेज था इसलिए मैंने W1 कहा अभी उसका हम एक और मिक्सचर बनाएंगे तब तो W इमल्सन -E जो है वो मेरा प्राइमरी प्रोडक्ट है तो इसी को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्टेप टू के अंदर कि ये हो गया मेरा W1 O वाले -E इमल्सन की जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि वाटर विथ सॉलिड वाटर के अंदर मैंने क्या डिजोल्व करके रखा है ड्रग तो ड्रग वाटर के अंदर है जब मैंने प्राइमर इमल्सन बनाया तो ये जो ड्रग जो है वो आप देख सकते हैं कि ड्रग की ये जो मॉलिक्यूल्स है वो वाटर के अंदर एंट्राप हो चुके हैं अब मैं एक और इमल्सन उसका बना रहा हूँ कि ये वाले इमल्सन को फिर से मैं वाटर के अंदर बना रहा हूं तो डबल्यू ओ डबल्यू जब तैयार होता है तो उसके अंदर आप देखो कि ये जो वॉटर के अंदर तो ये ड्रग है उसके आसपास ये दूसरा लेयर ऑयल का और फिर ये लेयर है वॉटर का तो जब ये तीन लेयर जब पास करेगा तो ही वो ड्रग जो है वो बाहर आ पाएगी तो ये पॉइंट लिखा है कि एनी ड्रग प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट फेज क्रॉस और टू फेज बाउंड्रीज टू रीच एक्सटर्नल कंटिन्यूस फेज सॉरी तीन नहीं उसको दो बाउंड्रीज क्रॉस करनी रहेगी सिंपली कि जो फर्स्ट बाउंड्री है वो उसके आसपास रही हुई ये बाउंड्री फिर कि पहले तो ये ऑयल वाला पूरा फेज उसको पार करना होगा और फिर फिर से उसके लिए ये वाटर वाला फेज मिलेगा वो पास आउट करना होगा तो जब ये फेजेस में से वो निकलेगा बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल इमल्सन बन रहा है कि पहले वाटर इन ऑयल था और उसको फिर से हमने वाटर के अंदर डाला कि डबल ली ओ डबल डब्बल और जो ड्रग थी वो वाटर के अंदर थी जिसके कारण वो सबसे इनर मोस्ट लेयर में चली गई है तो यहाँ पे एक चीज़ आपको माइंड में रखने की जब आप डबल ईओ डबल इमल्सन बना रहे हैं तो ड्रग को इनर मोस्ट लेयर में रखने के लिए ड्रग को इनर मोस्ट लेयर में रखने के लिए आप वाटर के अंदर उसको डिजोल्व कराएंगे कि यहाँ पे ये स्टेज के अंदर फर्स्ट स्टेज के अंदर जब उसको वाटर के अंदर डिजोल्व कराएंगे तो ही वो इनर मोस्ट लेयर जो रहेगा इनर मोस्ट फेज वाटर का उसके अंदर एंट्राफ रहेगी और उससे कंप्लीटली रिवर्स कंडीशन आप सोच सकते हैं कि जब आप ओ डब्ल्यू ओ इमल्शन बना रहे हैं तो उस वक्त आप जो है वो ड्रग को ऑयल फेज के अंदर डिजोल्व करवाओगे तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं एग्जामिनेशन पर्पस से फॉर मल्टीपल इमल्सन तो मल्टीपल्स इमल्सन आर कॉम्प्लेक्स सिस्टम वेयर बॉथ ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्सन एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली विच आर स्टेबलाइज बाय सरफेक्टेंट रिस्पेक्टिवली जैसे नॉर्मल इमल्सन को हम स्टेबिलाइज करते हैं सरफेक्टेंट या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करके ऐसे ही उसको भी स्टेबिलाइज करेंगे एंड अमॉन्ग वाटर इन ऑयल इन वाटर एंड ऑयल इन वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन द फर्स्ट वन इज़ मच मोर वाइडली यूज इन मैनी एप्लीकेशंस कि ये वाला हम क्योंकि मोस्ट ऑफ काफ़ी सारी ड्रग्स ऐसी होती है कि जो वाटर में सॉल्यूबल होती है तो ऐसी ड्रग्स के लिए हम ये टाइप की सिस्टम डेवलप करते हैं डब्ल्यू ओ डबल्यू एल के सबसे पहले डब्ल्यू वन ओ इमल्सन बना लेते हैं उसको यहाँ से हम फिर से अप्लाई करेंगे वाटर के साथ और सेकंड टाइम उसका होमोजेनाइजेशन करेंगे कि ये स्टेज वन का होमोजेनाइजेशन और ये वाला स्टेज टू का होमोजेनाइजेशन और फिर हमें फाइनल डबल यू डबल इमल्सन मिलेगा कि जिसके अंदर ड्रग हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर के अंदर यहां पे आप देख सकते हैं ये वाले इनर मोस्ट लेयर में क्या है ये आपकी ड्रग तो इस तरह से ड्रग को अलग अलग फेजेस पार करके फिर बाहर निकलना होगा जिससे आप डिले रिलीज एक्शन डिले रिलीज करवा सकते हैं किसी भी ड्रग की कि जो इमल्स का एक काफ़ी ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आ, से कि डिले रिलीज करवाने के लिए हम मल्टीपल इमल्सन जो है वो बना सकते हैं तो उसके अंदर फर्स्ट कंटिन्यूस फेस की जो है एक्सटर्नल एक्वियस फेस फिर मिडल का ऑयल फेस और तीसरा फेज इनर एक्वियस फेस के सबसे पहले कंटिन्यूस फेस की जो मेन एक्सटर्नल एक्वियस फेस था वो भी वाटर का था फिर मिडल फेज की जो ऑयल का फेज एंड इनर मोस्ट फिर से एक्वियस या फिर वाटर वाला फेज कि जिसके अंदर क्या डिजॉल है ड्रग तो ड्रग को बाहर निकलने के लिए एक ऑयल वाला फेज और ये एक्सटर्नल एक्वेस फेज दोनों पार करने होंगे तभी वो ड्रग बाहर निकलेगी और उससे लिए काफी टाइम लेगा जिसके कारण हम डिले रिलीज जो है डोजेज फॉर्म बना सकते हैं यूजिंग दिस मल्टीपल इमल्शन उसका जो एडवांटेज है कि प्रोलोंगेशन ऑफ ड्रग रिलीज एंड सेकंड लोकेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी भी आप अचीव कर सकते हैं कि प्रॉपर कोई पर्टिकुलर एरिया पे भी उसको टारगेट करवा सकते हैं उसके बाद है माइक्रो इमल्सन कि माइक्रो इमल्सन ऐसे होते हैं कि ये है आपके पास लिक्विड एक्टिव इंग्रेडिएंट और सॉलिड एक्टिव डिजॉल्व इन ऑयल तो यह है हमारे पास ऑयल है ऑयल फेज सिंपली हम कहते हैं ये वाला है वाटर फेज की एक्वियस फेज वाटर कंबाइन विथ इमल्सीफायर अब ये वाटर के अंदर मैंने ऑलरेडी इमल्सिफायर्स जो है वो ऐड करके रखे हैं तो अब मैं मल्टी माइक्रो इमल्सन बनाऊगा कि माइक्रो इमल्सन फॉर्मुलेशन कि जो एक तैयार होता है वाटर इन ऑयल इमल्सन और सेकंड टाइप का मैं बना सकता हूँ ऑयल इन वाटर दोनों मेरी चॉइस है कि जब वाटर ज़्यादा लूँगा तो ऑयल इन वाटर बनेगा कि यहाँ पे ऑयल दस से वाटर और चालीस वाटर है तो यहाँ पे रिवर्स लिख लेता हूं वाटर यहाँ पे है दस कि जिसके कारण वाटर ऑयल के अंदर ऐड हो रहा है ऑयल ऑयल चालीस तो उस तरह से मैं माइक्रो इमल्सन बना सकता हूं तो माइक्रो इमल्सन के लिए सरफेक्टेंट की जरूरत पड़ती है सरफेक्टेंट ज्यादा अमाउंट में चाहिए हमें तो ये एक माइक्रो इमल्सन की फॉर्मूला आप देख सकते कि एस्पिरिन तो वो है आपकी ड्रग फिर वर्जिन कोकोनट ऑयल की जो आपका ऑयल फेज है फिर ये देखो सरफेक्टेंट काफ़ी हाई अमाउंट में है 42, 36 मिनिमम फिर 38, 40, 42 एंड को एंड भी ज़्यादा अमाउंट में है तो माइक्रो से कैसे इमल्सन से है कि जिसके अंदर हम सरफेक्टेंट एंड को कोसरफेक्टेंट ज़्यादा अमाउंट में ऐड करते हैं और उससे जो हमारा इमल्सन बनता है वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कंबीसन नॉर्मल इमल्सन काफ़ी स्टेबल होते हैं प्लस ट्रांसपेरेंसी भी उसके अंदर हम अचीव कर सकते हैं कि वो टाइप के जो इमल्सन कई बार हम ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं अलग अलग ऑयल्स एंड वाटर को यूज़ करके तो ये था माइक्रो इमल्सन और फिर आप देख सकते हैं कि ये डिस्टिल वाटर की क्वांटिटी प्रिजर्वेटिवस भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं अब जानना है हमें इमल्सीफायर्स के बारे में तो इमल्सिफायर्स आर एडिटिव दैट हेल्प टू लिक्विड मिक्स की जो दो इमिसिबल लिक्विड फेजेस हैं उसको मिक्सअप करने के लिए इमल्सिफायर्स हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल वाटर एंड ऑयल सेपरेट इन ए ग्लास बट बाय एडिंग ए इमल्सीफायर विल हेल्प द लिक्विड मिक्स टूगेदर उसको हम मिक्स कर सकते हैं एंड इट इज कॉमनली यूज इन डिफरेंट फूड एंड ड्रिक्स सम एग्जाम्पल ऑफ हिमल्सिफाइंग एग यू कैन मस्टार्ड एंड एग्जाम्पल्स अदर एग्जाम्पल्स की जो इंडस्ट्रियली पर्पज से यूज करते हैं हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कि जो अकेशिया है ट्रगाकान्थ अगार एंड पैक्टिंग की जैसे आप ये अकेशिया का जो पाउडर लेबोरेटरीज के अंदर कई बार यूज़ करते हैं हिमलसन बनाने के लिए एज वेल एज द ट्रगा कांत तो जो इमल्सीफायर से कि वो एक टाइप के सर्फेक्टेंट है कि जिसका एच एल बी स्केल के अंदर द एच एल बी नंबर ऑफ सर्फेक्टेंट में वेरी फ्रॉम फोर्टी कि जो एस एल एस की है हाइएस्ट टू लोवेस्ट वन ऑफ ओलिक एसिड तो ये एच एल बी स्केल है कि जो ग्रीफिन साइंटिस्ट ने दिया था तो उसके अंदर जो हमारे दो टाइप के इमल्सिफायर है कि वॉयटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर टाइप की इमल्सिफायर तो उसके आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद रखने होते हैं एंड उसके रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि इमल्सीफाइंग एजेंट्स समटाइम यूज सिंगली प्रेफरबली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इमल्सिफाइंग एजेंट विल गिव ए वेटेड तो कई बार सिंगल इमल्सिफायर एजेंट भी यूज कर सकते हैं एज वेल एज समाइम यू कैन यूज इन ए कॉम्बिनेशन की एक टाइप के क्या है सरफेक्ट्स है कि जिसको हम सिंपल कहते हैं कि सरफेस एक्टिव एजेंट्स सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं तो इनका जो काम मैंने हम शुरुआत में समझाया कि डिक्रीज करते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं जिसके कारण वाटर एंड ऑयल की जो दोनों इमिसिबल फेजेस है कि जो अपना इंटरफेस बनाते हैं कि नीचे वाटर है ऊपर ऑयल है तो ये ऑयल वाटर जो इंटरफेस तैयार होती है वो इंटरफेस के जो सरफेस टेंशन है वो रिड्यूस करती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि प्रॉपर मिक्सचर बना देती है कि जो थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल रहता है तो एम के लिए जो दो पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि एच एल बी ऑफ एट टू सिक्सटीन इज़ फॉर ओडबल्यू इमल्सीफायर्स कि ऑयल इन वाटर इमल्सन्स के अंदर कौन सी इमल्सन्स के अंदर ऑयल इन वाटर कि जिसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी 10 है एंड वाटर की क्वांटिटी 40 है ऐसे इमल्सन के लिए हम ये जस्ट एग्जांपल के लिए है ऐसा नहीं कि आप 10 ही लेते हो 40 ही लेते जस्ट यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये एक सिंपल यहाँ पे लिख रहा है कि ऑयल कि क्वांटिटी कम है वाटर ज़्यादा है इसलिए ऑयल इन वाटर इमल्सन तो उस वक्त एच एल वैल्यू आठ से लेकर सोलह की हो ऐसे इमल्सीफायर हम यूज़ करते हैं और एच एल बी थ्री टू एट वाले जो है वो डबल ही ओ इमल्सन में यूज करते कि जिसके अंदर वाटर एड होता है इन ऑयल तो उस वक्त वाटर दस है एंड ऑयल क्वान्टिटी चालीस है नॉट द एचल बी रिक्वायर्ड फॉर इमल्सिफाइंग पर्टिकुलर ऑयल इन वाटर कैन बी डिटर्म बाय ट्रायल एंड एरर मेथड की जो हम बात करते हैं ओ डब्ल्यू जी रेसियो तो वो भी आपको याद रखना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग टू आप अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग इमल्सिफायर यूज करके फिर इस लास्ट में फाइनल फॉर्मूला कंसिडर करते हैं एंड इसी को हम कहते हैं कि ट्रायल एंड एरर मेथड बाय प्रिपेयरिंग ए एप्रोप्रिएट सॉल्यूस इमल्सन्स, विथ इमल्सिफाइंग ए रेंज ऑफ एच एल बी वैल्यूज एंड देन डिटरमाइनिंग दैट एच एल बी वैल्यू दैट यील्ड द बेस्ट इमल्सन कि जैसे अभी बात की हमने कि एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर एंड एफ फाइव अलग अलग फॉर्मूला डिजाइन करते हैं और सभी के अंदर एच एल हम अलग अलग लेते हैं कि कोई यहाँ पे थ्री एच एल बी वाला है फिर फाइव वाला है सिक्स सेवन और एट और कौन सी एच एल बी वाला मुझे बेस्ट इमल्सन दे रहा है कि समझे कि एफ टू बेज अच्छा इमल्सन बना कर दे रही है तो एफ टू का जो है वो मैं बेस्ट कंसिडर करूँगा और उसकी एच एल बी वाला जो इमल्सीफायर है वो फर्दर स्टडी के लिए मैं यूज़ करूँगा तो इस तरह से ये ट्रायल एंड एरर मेथड से हम कंसिडर करते हैं बेस्ट इमल्सन के लिए बेस्ट इमल्सीफायर द एच बी वैल्यू नेम एज रिक्वायर्ड एच एल बी और आर एच एल बी रिक्वायर एच एल बी और आर एच एल बी की जो एच एल बी की समझो कि मैंने अभी बात की कि एफ थ्री पे मुझे बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है तो एफ थ्री पर जो एच एल बी होगी उसको मैं कहूँगा आर एच एल बी और रिक्वायर एच के जिससे मेरा बेस्ट इमल्सन तैयार हुआ बाय यूजिंग दैट इमल्सीफायर एट दैट पर्टिकुलर एच वैल्यू तो ये था स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन एंड बेसिक ऑफ इमल्सन्स एंड इमल्सिफायर्स अब जो अलग अलग मेथड्स जो हमें डिस्कस करने के किस तरह से इमल्सन हम अलग अलग टेक्निक से बनाते हैं वो हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पार्ट नाइन के अंदर ऑफ दिस लिक्विड डोजिज फॉर्म एंड वी आर स्टडिंग इन डिटेल अबाउट द इमल सन सो इफ यू लाइक द कंटेंट मस्ट लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो सब्सक्राइब चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप तो जरूर से ज्वाइन करिए जिसके लिए आपको क्या करना है आपका नाम लिखना है सिटी का नाम लिखना है एंड व्हाट्सएप करना है ऑन नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स ये नंबर पर subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of Farmerox. ox also download their Farmerox ox android application on google play apple iphone app on app store the links are given in description box and get test series video lectures and study material on the app